हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर। देखिए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इस कृषि एवं संबद्ध सेवा के अंतर्गत आपको फसलें, उद्यानिकी, जल संसाधन, पशुपालन, मछली उद्योग, ठीक है, मत्स्य उद्योग, ये सारे आंकड़े पढ़ने हैं। इससे संबंधित योजनाएं भी आपको इसमें कवर करनी है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है और अभी का जो वीडियो लेक्चर है ये भी काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है। देखिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 तथा छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप अपने नज़दीकी बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवा। कृषि के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे फसल क्षेत्र को, ठीक है। फसल क्षेत्र, फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान स्थिर कीमतों पर। फसल क्षेत्र के आंकड़े जो कि छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र की भागीदारी कितनी है स्थिर कीमतों पर। छत्तीसगढ़ के GSDP के आकार की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 3,21,944 करोड़ रुपए। इस 3,21,944 करोड़ रुपए में से फसल क्षेत्र की भागीदारी है 26,12,897 लाख रुपए, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुल GSDP का आकार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, 3,21,944 करोड़ रुपए। इस 3,21,944 करोड़ रुपए में से 26,12,897 लाख रुपए फसल क्षेत्र की भागीदारी है। परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के कुल GSDP में 3,21,944 करोड़ रुपए में से फसल क्षेत्र की भागीदारी है 8.64%, ठीक, 8.64% की भागीदारी है फसल क्षेत्र की। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में फसल क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई पूछा जाए तो यहां पर करेक्ट करना है 2.15%, 2.15% की वृद्धि दर्ज की गई है। सेम टू सेम आंकड़ा वहां पे लिखा गया है। वृद्धि हम बात कर रहे हैं 2023-24 का, उसके एक साल पहले 2022-23 की तुलना में 2023-24 में फसल क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है तो 2.15% की वृद्धि दर्ज की गई है। और ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र की स्थिर कीमत पर भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है तो 8.64% अनुमानित है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में छत्तीसगढ़ के फसल क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है तो 2.15% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। प्रदेश में किसान परिवारों की संख्या, हमारे छत्तीसगढ़ में किसान परिवारों की कुल संख्या है 40.10 लाख, ठीक है, 40.10 लाख हमारे छत्तीसगढ़ में किसान परिवार है। किसानों की संख्या नहीं, किसान परिवारों की संख्या की बात की जा रही है। कई जगह आपको 40.10 लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको 40.11 लाख लिखा हुआ मिलेगा, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। आगे हम देखेंगे 40.11 लाख भी पढ़ेंगे। तो 40.10 लाख या 40.11 लाख छत्तीसगढ़ में किसान परिवारों की संख्या है। इनमें से 82% लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 40.11 लाख किसान परिवारों में से 82% सीमांत एवं लघु किसान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें इनका क्लासिफिकेशन आगे देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या भू अभिलेख वर्ष 2021 के आधार पर, भू अभिलेख वर्ष 2021 के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या 40.11 लाख किसान परिवार है। इस 40.11 लाख किसान परिवार में से सर्वाधिक सीमांत किसान है, सर्वाधिक सीमांत किसान परिवार है कितने, 24.34 लाख किसान परिवार। उसके बाद लघु सीमांत कृषकों की संख्या है 8.80 लाख किसान परिवार। फिर है दीर्घ किसान कितने, 6.97 लाख किसान परिवार। अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर ओवरऑल इंडिया में किसानों का वर्गीकरण देखें तो जोत के आकार के आधार पर, जोत
जोत का आकार, यानी कि किसान के पास उपलब्ध कृषि भूमि के आधार पर किसानों का 5 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है सीमांत कृषक, एक होता है लघु कृषक, एक होता है अर्ध मध्यम कृषक, एक होता है आपका मध्यम कृषक और एक होता है दीर्घ कृषक। सीमांत कृषक ऐसे कृषक जिनके पास जोत का आकार यानी कि कृषि के लिए उपलब्ध कृषि भूमि 1 हेक्टेयर से कम है। लघु किसान ऐसे किसान जिनके जोत का आकार यानी कि कृषि के लिए उपलब्ध कृषि भूमि 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य है। अर्ध मध्यम किसान ऐसे किसान जिनके पास जिनका जोत का आकार 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य है। फिर मध्यम किसान ऐसे किसान जिनके जोत का आकार 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य है, और दीर्घ किसान ऐसे किसान जिनके जिनके पास जोत का आकार 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, यानी कि उपलब्ध कृषि भूमि 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ में सीमांत लघु और दीर्घ किसानों का यहां पर वर्गीकरण दिखाया गया है, जिसमें से सर्वाधिक सीमांत किसान परिवारों की संख्या है 24.34 लाख किसान परिवार जिनके पास उपलब्ध कृषि भूमि एक हेक्टेयर से कम है। लघु किसान जिनकी संख्या है 8.80 लाख किसान, ठीक है, 8.80 लाख किसान परिवार, ऐसे किसान जिनके पास उपलब्ध कृषि भूमि 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य है। दीर्घ किसान जिनके पास उपलब्ध कृषि भूमि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 6.97 लाख किसान परिवार, जिसमें से कहा जा रहा है कि ये जो आपका सीमांत और लघु किसानों की संख्या लगभग 82% है। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के अंतर्गत 82 परिवार आ रहे हैं। 40.11 लाख किसान परिवार है छत्तीसगढ़ में भू अभिलेख 2021 के अनुसार। थोड़ा सा ना क्लास को फास्ट चलाऊंगा क्योंकि बहुत सारा आपका कंटेंट कवर करना है अभी, ठीक। देखिए जैविक खेती योजना, जैविक खेती योजना क्या होता है, सीधे साधारण शब्दों में बताऊं तो कृषि, जब कोई किसान कोई बीज बोता है तो अपने फसल को उपजाऊ यानी कि उसमें जो है ज़्यादा पैदावार करने के लिए वो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है। कीटों से, ठीक है, छोटे छोटे कीड़ों से बचाने के लिए वो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करता है। तो जैविक खेती योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करना या बिल्कुल ही उसका प्रयोग नहीं करना, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना, ये जैविक खेती योजना का मुख्य उद्देश्य है, जैविक खेती मिशन का मुख्य उद्देश्य है। रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों एवं जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना। जैविक उर्वरक जैसे कि जो फल हो गया, सब्जी हो गया, ठीक है, फल सब्जी के जो कचरे बचे हुए होते हैं उस फल सब्जी के कचरों से जैविक उर्वरक बनाए जाते हैं। यहाँ पर थ्योरी का लिखा है, थ्योरी को ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कृषि की वह पद्धति है जो कि संश्लेषित या रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अप्रयोग यानी कि उनका प्रयोग न करने, न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और फल एवं सब्जी बाजार के अपशिष्ट खाद जैसे ऑर्गेनिक निविष्टियों को उपलब्ध कराने, मृदा की स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को बनाए रखते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने की योजना है। जैव खेती योजना को बढ़ावा देने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन तथा 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि योजना संचालित है। हमारे छत्तीसगढ़ में जैविक खेती मिशन कब से लागू है, ये लागू है वर्ष 2014 से, राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई और केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई परंपरागत कृषि विकास योजना 2016 से लागू है। छत्तीसगढ़ की स्वयं की राज्य सरकार द्वारा संचालित 2014, 2 साल बाद केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना, दोनों के दोनों जैविक खेती योजना के अंतर्गत आते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल पाँच जिले ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से जैविक जिले हैं, जहाँ पर जो कृषि उपज लगाई जाती है वो जैविक पद्धति से लगाई जा रही है, वहाँ पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। फिलहाल तो गवर्नमेंट आंकड़े के हिसाब से यही है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हमको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 5 जिले जो कि पूर्ण रूप से जैविक जिले हैं, कौन कौन सा, सुकमा जिला, बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, नारायणपुर जिला, 4 जिले बस्तर संभाग के, 1 जिला रायपुर संभाग का, कौन सा, गरियाबंद। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और गरियाबंद जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्ण जैविक जिले हैं। अगर पूर्ण जैविक विकास खंडों की बात किया जाए तो देखिए जो बचे हुए जो शेष जिले हैं, 5 को छोड़ करके जो जितने बचे हुए जिले हैं, शेष 22 जिलों के 1-1 विकास खंड,
ठीक है, शेष 22 जिलों के, यहाँ पे देखिए 27 जिलों के आधार पे आंकड़ा दिया गया है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जिलों की संख्या है 33, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में अभी भी 27 जिले लेके चल रहा है। गोरेला पेंड्रा मरवाही को छोड़ दिया है, और आपका जो 5-9 गठित जिले है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ शक्ति जिला, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला, खैरागढ़ छुईखतन गंडई जिला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, इनको यहाँ इसमें शामिल नहीं किया है। शेष 22 जिलों के एक एक विकास खंड में कार्यक्रम संचालित है, ठीक, यानी कि जो बाकी बचे हुए जिले हैं उनका एक एक विकास खंड में जैविक खेती मिशन संचालित है। नवीन जिले शक्ति को छोड़कर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नए जिलों की बात हो रही है, नवीन जिले शक्ति को छोड़कर शेष सभी नवीन जिलों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, शेष सभी। अब देखिए, शक्ति जिला जो कि जांजगीर चांपा से पृथक होकर के अस्तित्व में आया, तो शक्ति के आंकड़े इसके पास उपलब्ध नहीं है। बाकी शेष सभी नवीन जिले, यानी कि बाकी बचे हुए जो बाकी सभी जिले हैं, उसमें योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैविक खेती क्षेत्र 2023-24 में, वर्ष 2023-24 में हमारे छत्तीसगढ़ में जैविक खेती मिशन के अंतर्गत 15,000 एकड़ क्षेत्र आते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 31,500 एकड़ क्षेत्र आते हैं। वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना अंतर्गत 50,279.29 हेक्टेयर भूमि आती है। अब देखिए, जैविक खेती मिशन राज्य पोषित वर्ष 2014 अभी हमने देखा था, और यहाँ बात हो रहा है परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये कुल मिलाकर के जैविक खेती के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र की बात हो रही है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जैविक खेती के अंतर्गत अगर हम बात करें, जैविक खेती मिशन यानी कि दो वर्ष 2014 से जो राज्य पोषित जैविक खेती मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत 15,000 एकड़ क्षेत्र आएगा। और परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि केंद्र सरकार की जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये भी जैविक खेती योजना का ही एक पार्ट है, इसके अंतर्गत 31,500 एकड़ क्षेत्र आ रहा है। और वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना के तहत 50,279.29 हेक्टेयर भूमि आती है, ठीक। इसमें से ये दोनों आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कब से लागू है केंद्र सरकार की योजना, छत्तीसगढ़ में कब से लागू है, इसे भी याद रखना है। और मेन तो ये 5 जिलों के नाम याद रखिएगा, ये 5 जिलों के नाम और ये आंकड़ा कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले जैविक जिले हैं, ये आंकड़ा बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जैविक फसल उत्पाद विपणन। जैविक फसल छत्तीसगढ़ में जो है कुछ जैविक फसल के ब्रांड है, जैसे कि चांगरो राइस बलरामपुर, बांसा झाल राइस सरगुजा, मैकाल्स नेचर्स कबीरधाम, आगर जैव उत्पाद मुंगेली, आरुक जैविक राजनांदगांव, रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी, पंचतत्व कोंडागांव, आदिम ब्रांड दंतेवाड़ा, बस्तर नेचर बस्तर, केलो ब्रांड रायगढ़, शिवनाथ ऑर्गेनिक दुर्ग, रायपुर ऑर्गेनिक रायपुर, बालोद ऑर्गेनिक बालोद और जशपुर एग्रोफेश जशपुर। ये हमारे प्रदेश में कुछ जैविक ब्रांड है, ठीक है। इस ब्रांड से जो है जैविक उत्पाद बिकते हैं। इधर देखिए, जैविक फसलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में धान की सुगंधित किस्में, एक बार का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धान की सुगंधित किस्में कौन कौन सी है, बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पूसा सुगंध, जवा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद और लोकटी माछी, काली गिलास, तिल कस्तूरी, ठीक है। ये इतने सारे क्या है, इतने सारे धान की सुगंधित किस्में है। एग्जाम में एक बार का प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में सुगंधित धान की किस्में नहीं है। तीन नाम तो यहीं से उठा करके दे दिया था और एक नाम कोई दूसरा ऐड कर दिया था, तो ये एग्जाम में आया हुआ है। तो एटलीस्ट इसमें सुगंधित धान की जो किस्में हैं उनके नाम को याद रखिए, बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पूसा सुगंध, जवा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, ठीक है, तुलसी मंजरी, काली कमोद, लोकटी मांछी, काली गिलास और तिल कस्तूरी। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी सुगंधित धान की किस्में हैं। जैसे कि धान की अलग अलग आपके किस्में आती है ना, बासमती चावल, HMT चावल, ये सभी के सभी अलग अलग ब्रांड के नाम से बिकते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो सुगंधित धान की किस्में हैं वो ये है। मक्का एवं लघु धान्य फसलों की बात करें तो कोदो कुटकी, रागी, सांवा,
केसरा आदि तथा दलहन एवं तिलहन फसलों की बात करें तो अरहर, उड़द, मूंग, कुलथी और तिल है। इसमें आपको सुगंधित धान की किस्में पर मेन फोकस करना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार 2021। कृषि कर्मण पुरस्कार, देखिए कृषि में कृषि उपज की उत्पादकता में वृद्धि या उस पर अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ को अब तक टोटल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके, 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं 3 कृषि उपजों के लिए। लास्ट कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, देखिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए। अब आपको लगेगा कि राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार 2020-21 और यहां पर 2016-17 क्यों लिखा है। छत्तीसगढ़ की 2016-17 में कुल कृषि उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ था, कब, वर्ष 2016-17 में। और वर्ष 2016-17 की उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया 2020-21 का। ठीक है, छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ जिसमें 5 करोड़ रुपए की राशि दी गई। छत्तीसगढ़ को अब तक कुल 5 राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं। धान उत्पादन हेतु वर्ष 2010-11 में, 12-13 में और 13-14 में, ये तीनों ईयर को याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ को धान उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष जिसमें धान हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। तीन ईयर तो है, 2010-11, 12-13, 13-14, अब इसमें बीच में क्या जोड़ देगा, 2011-12 जोड़ देगा। ठीक है, 2011-12 जोड़ देगा, तो 2011-12 में नहीं मिला है, 2010-11, 12-13, 13-14 मिला है। 3 साल जो है छत्तीसगढ़ को धान उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। दलहन उत्पादन हेतु 2014-15 में और खाद्यान्न उत्पादन हेतु 2016-17 में छत्तीसगढ़ को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे ईयर को अच्छे से याद करना है ना, ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ की कुल 11 मंडियों में क्रमशः बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, शक्ति और रामानुजगंज में मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला के संचालन की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त 111 मिनी मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला है, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में मिट्टी की उर्वरा क्षमता कितनी है उसकी जांच हेतु एक प्रयोगशाला, मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला। हमारे छत्तीसगढ़ के कुल 11 मंडियों में मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला संचालित है। आदर्श मंडी, हमारे छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडियों की संख्या कितनी है पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडियों की संख्या 5 है। आदर्श मंडी क्या होते हैं, ऐसे मंडी जिसमें एंट्री के लिए एक पॉइंट हो, एग्जिट के लिए पॉइंट हो, मंडी में बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, सुलभ शौचालय उपलब्ध हो, गंदगी वहां पर ना हो, इसे कहा जाता है आदर्श मंडी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 5 आदर्श मंडियां हैं, कौन कौन सी, धमतरी, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली और राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडियों की संख्या कितनी है पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडियों की संख्या है 5। मंडी क्या होते हैं, जहां पर कृषि उपज की खरीदी बिक्री की जाती है। ठीक है, मंडी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय किसान बाजार, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ई नाम। ठीक, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या होता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाना है। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ की जो कृषि मंडी है जहां पर कृषि उपजों की खरीदी बिक्री की जाती है, तो अगर छत्तीसगढ़ का कोई कृषि मंडी है तो छत्तीसगढ़ की कृषि मंडी में आकर के आसपास के जो जिले हैं उस जिले के व्यापारी खरीदी बिक्री कर सकते हैं।
लेकिन ई नाम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसी जिले में मौजूद कृषि मंडी को नेशनल लेवल के मार्केट से जोड़ा जा रहा है, ताकि रायपुर की किसी कृषि मंडी से किसी कृषि उपज को गुजरात में बैठा व्यापारी, महाराष्ट्र में बैठा व्यापारी, उत्तर प्रदेश में बैठा व्यापारी भी खरीद सके। ये मेन कॉन्सेप्ट है आपके राष्ट्रीय कृषि बाजार का। कृषि उपजों की खरीदी बिक्री कृषक तथा व्यापारियों के मध्य के बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिचौलियों के हस्तक्षेप, कई बार क्या होता है कि छत्तीसगढ़ के किसान से जो बीच के मीडिएटर है, बिचौलिए है, जिसे कहा जाता है दलाल, वो कम कीमत पर कृषि उपज खरीद करके दूसरे राज्यों में ज़्यादा कीमतों पर बेचते हैं, तो इसमें बीच का कमीशन खाते हैं बिचौलिए या मीडिएटर या दलाल। तो इसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देश में 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ना इसका लक्ष्य है। हमारे छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट है 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के लिए चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, टोटल 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 14 कृषि मंडी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत हमारे प्रदेश के कुल कितने कृषि उपज मंडियों को शामिल किया गया है? 14 कृषि उपज मंडियों को शामिल किया गया है। ठीक है, क्या है ये? एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों से अन्य राज्यों के व्यापारी भी ऑनलाइन डायरेक्ट कृषि उपजों की खरीदी कर सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडी कौन कौन से है? पहले चरण में राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद, नवापारा को जोड़ा गया। दूसरे चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर को जोड़ा गया। तीसरे चरण में राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़, इन कृषि टोटल 14 कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है। जो पहले चरण की कृषि उपज मंडी है, प्रथम चरण के मंडियों को 19-10-2016 को जोड़ा गया, और बाकी द्वितीय और तृतीय चरण के जो मंडी है उन्हें 8-4-2017 यानी कि 8 अप्रैल 2017 को जोड़ा गया है। ठीक है, किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता बाजार, ये क्या होता है? बिचौलिए तंत्र को समाप्त कर कृषक अपने कृषि उपज को सीधा उपभोक्ता को विक्रय कर सकते हैं, यानी कि ये सेम है। कृषि उपज मंडी प्रदेश में किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण अधिसूचित कितने हैं? इनकी संख्या है 9। इसमें भी क्या है? बिचौलियों के हस्तक्षेप को समाप्त करना, यानी कि किसानों को एक किसान उपभोक्ता बाजार लाया गया है, किसान उपभोक्ता बाजार बनाया गया है, जिस बाजार में जाकर के किसान अपने कृषि उपज को डायरेक्ट उपभोक्ता को बेच सकते हैं। इससे बीच के बिचौलिए मीडिएटर का हस्तक्षेप कम होगा, किसानों को उनकी कृषि उपज का सही मूल्य प्राप्त होगा। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 9 कृषि किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण यानी कि किसान उपभोक्ता बाजार अधिसूचित है, जिसमें से क्रय विक्रय प्रारंभ हो चुका है धमतरी, राजनांदगांव और बेमेतरा में। धमतरी, राजनांदगांव और बेमेतरा, ये 3 आपके कृषि मंडी है जहां पर खरीदी बिक्री प्रारंभ हो चुकी है। रायपुर के नया और पुराना मंडी का केवल अभी लोकार्पण हुआ है नवंबर 2019 में, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है बिलासपुर, बरमकेला, चिखली, रायगढ़ में, और कार्यवाही प्रगतिरत है बैकुंठपुर में। यानी कि सही तौर पे कहा जाए तो टोटल 9 कृषि मंडी को किसान उपभोक्ता बाजार के लिए उन्हें चुना गया है। 9 में से अब तक 3 धमतरी, राजनांदगांव, बेमेतरा, जहां पे खरीदी बिक्री प्रारंभ हो चुकी है, बाकी में अभी प्रारंभ होना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसान शॉपिंग मॉल। किसान शॉपिंग मॉल क्या होता है? किसान संबंधित विभिन्न चीज़ों की दुकानें, जैसे खाद्य की दुकान, बीज की दुकान, कीटनाशक दवा की दुकान, कृषि उपकरण समेत किसान के काम में आने वाली अन्य वस्तु एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। किसान शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल जैसे कि आपके शहर के नज़दीक में कोई एक शॉपिंग मॉल होगा, उस शॉपिंग मॉल में कपड़े का भी दुकान होगा, खाने पीने का भी दुकान होगा, एक वहाँ पर सिनेमा हॉल होगा, वहाँ पर और भी आपके जो ग्रॉसरी सामान भी मिलेंगे, हर तरह की दुकान होते हैं आप एक आपके मॉल में, शॉपिंग मॉल में। वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट में लाया गया किसानों का शॉपिंग मॉल। किसानों का शॉपिंग मॉल जहां पर किसानों के लिए खाद्य की दुकान, बीज की दुकान, कीटनाशक दवा की दुकान, कृषि उपकरण की दुकान एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। हमारे प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल खोला गया है राजनांदगांव जिले में। ठीक है, राजनांदगांव जिले में, जो कि वर्ष 2010 से इसका जो है निर्माण हो चुका है और यह संचालित है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल कहाँ पे है, कहाँ पर खोला गया है, तो यह है राजनांदगांव जिले में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फसलों का रकबा एवं उत्पादन।
फसलों का रकबा एवं उत्पादन 2021-22। वास्तव में तो 2022-23 के आंकड़े इसमें आने चाहिए थे, लेकिन ये आंकड़े पिछले साल के करंट अफेयर का ही है। जिन्होंने पिछले साल का करंट अफेयर खरीदा था, पिछले साल का वीडियो लेक्चर पढ़ा था, सेम टू सेम आंकड़ा रिपीट हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहां पर 2021-22 का है। जब मैं बुक टाइप कर रहा था तो बुक टाइप करते समय मुझे लगा कि मैंने कोई पिछले साल का तो आर्थिक सर्वेक्षण डाउनलोड नहीं कर लिया है, लेकिन वास्तव में इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के आंकड़े आने चाहिए थे, लेकिन इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले साल के ही आंकड़े को उन्होंने कट कॉपी पेस्ट कर दिया है, नए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। पिछले साल जो हमने आंकड़े पढ़ा था वही आंकड़े हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग कृषि उपज है, उन कृषि उपजों में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्र है, यानी कि सर्वाधिक कृषि भूमि में कौन सी फसल का कृषि उपज लिया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक जो बोई जाने वाली फसल है वो है धान, धान के बाद चना, चना के बाद लाख या तिवड़ा, लाख तिवड़ा के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद मक्का। यानी कि देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 की बात हो रही है, 22-23 के आंकड़े आए नहीं है, कोई चेंज ही नहीं हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में धान की उपज ली जाती है, उसके बाद चना, चना के बाद तिवड़ा, तिवड़ा के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मक्का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आंकड़े देखेंगे तो धान की फसल लगभग 43-48 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लिया गया, चने की फसल 333 हजार हेक्टेयर में लिया गया, लाख या तिवड़ा की फसल 173 हजार हेक्टेयर में लिया गया, गेहूं की फसल 160 हजार हेक्टेयर में लिया गया, मक्का की फसल जो है ये आपका 132 हजार हेक्टेयर में लिया गया। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, देखिए सर्वाधिक अंतर्गत क्षेत्र, ये जो अलग अलग कृषि उपज है, अगर इनका हम क्लासिफिकेशन करें तो अनाज, अनाज के अंतर्गत आपका जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, ये अनाज आपके अनाज फसल है। तो अनाज की बात करें तो सर्वाधिक आपके अनाज फसलों में धान का जो उपज है ये सर्वाधिक क्षेत्र में लिया गया। दलहन फसलों के अंतर्गत आपका चना आता है, चना, तिवड़ा, उड़द, मूंग, ठीक है, अरहर, ये सभी के सभी क्या है, दलहन फसलें हैं। तो दलहन फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र में चने की फसल ली गई है हमारे छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में। और तिलहन क्षेत्र में बात करें तो तिलहन क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र में राई सरसों की फसल ली गई है, ठीक, राई सरसों। देखिए छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है उसमें जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि में सर्वाधिक किस फसल का कृषि उपज या किस फसल की बुवाई सर्वाधिक की गई, तो धान की बुवाई सर्वाधिक हुई है। उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्र में चने की बुवाई हुई, चने के बाद लाख या तिवड़ा जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल में इनकी बुवाई हुई है बुवाई के आधार पर। अब नेक्स्ट आंकड़ा है प्रमुख फसलों का उत्पादन 1000 मेट्रिक टन में। बुवाई तो हो गया, अब उससे जो उत्पादन हुआ, उत्पादन की बात हो रही है, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है आपके धान का, धान के बाद मक्का का, मक्का के बाद चना का, चना के बाद गेहूं का, गेहूं के बाद है आपका लाख या तिवड़ा का। अगर आप देखेंगे तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में धान का उत्पादन रहा 13,238 हजार मेट्रिक टन, मक्का का उत्पादन रहा 431 हजार मेट्रिक टन, चना का उत्पादन रहा 260 हजार मेट्रिक टन, गेहूं का उत्पादन रहा 203 हजार मेट्रिक टन, लाख का उत्पादन रहा 104 हजार मेट्रिक टन, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन रहा धान की फसल का। अगर इसमें अगर हम फिर से क्लासिफाई करें अनाज, दलहन और तिलहन का, तो अनाज जिसमें आपका गेहूं और धान आते हैं तो सर्वाधिक उपज रहा आपका धान का, सर्वाधिक उत्पादन रहा धान का। दलहन फसलों की बात करें तो चना, लाख, उड़द, अरहर, इनमें से सर्वाधिक उत्पादन रहा चना का। और तिलहन की बात करें तो तिलहन में जैसे मूंगफली, सरसों, राई सरसों, तिल, इनमें सर्वाधिक उत्पादन रहा आपका मूंगफली का, ठीक है, तिलहन फसल की बात हो रही है। बुआई के समय के आधार पर अगर हम बात करें, बुआई के समय के आधार पर एक होता है खरीफ की फसलें और एक होती है रबी की फसलें। तो सर्वाधिक रकबा खरीफ की फसलों में सर्वाधिक रकबा रहा आपका धान का और सर्वाधिक उत्पादन भी हुआ आपका धान का। जबकि रबी की फसलों की बात करें तो रबी की फसलों में सर्वाधिक उत्पादन रहा आपका चना का और सर्वाधिक रकबा रहा चना का और सर्वाधिक उत्पादन भी रहा चना का। रकबा का मतलब कितने क्षेत्र में इस कृषि उपज की बुआई की गई। अब खरीफ फसल क्या होती है, रबी फसल क्या होती है, महीनों के आधार पर इनकी जो बुआई होती है, ठीक है, इसको आप और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं कि खरीफ फसलें क्या है, रबी फसलें क्या है, बुआई के समय के आधार पर होता है, ठीक है।
तो इसको मैं उतना ज़्यादा क्लासीफाई नहीं करूँगा क्योंकि बताने के लिए भी बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें। बस याद रखिए कि अगर खरीफ फसल की बात हो रही है तो खरीफ फसल में सर्वाधिक रकबा रहा धान का, सर्वाधिक उत्पादन रहा धान का, और रबी फसल की बात की जाए तो रबी फसल में सर्वाधिक रकबा रहा चना का और उत्पादन भी रहा आपका चना का। कृषि फसलों का शुद्ध और कुल बोया गया क्षेत्रफल 2021-22, इसके भी आंकड़े अपडेट नहीं हुए, अगर कोई नया आंकड़ा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर हेक्टेयर में हम बात करें तो वो है 140.90 लाख हेक्टेयर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 135.94 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, लेकिन अगर हम हेक्टेयर में बात करें तो प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है 140.90 लाख हेक्टेयर, ठीक। जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है वो है 46.30 लाख हेक्टेयर, और एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है 10.73 लाख हेक्टेयर, कुल बोया गया क्षेत्रफल है 57.03 लाख हेक्टेयर। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, इसे समझ लीजिए। एक मान लीजिए किसान के पास एक कृषि भूमि है, एक कृषि भूमि है जो कि कितना है, एक हेक्टेयर है, एक हेक्टेयर है। एक कृषि वर्ष में किसान ने सबसे पहले इसमें खरीफ की फसल लगाई, ठीक है, कोई भी फसल लगा रहा है, एक खरीफ का फसल लगाया, खरीफ का फसल लगाया तो जितने क्षेत्र में खरीफ का फसल लगाया तो कितना होगा, एक हेक्टेयर भूमि काउंट होगी। उसके बाद रबी की भी फसल लगाता है तो रबी की फसल लगाया तो एक हेक्टेयर काउंट हुआ। तो उस किसान ने एक वित्तीय वर्ष में कुल कितने क्षेत्रफल में बोया, दो हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोया, ठीक है। उसके पास उपलब्ध कृषि भूमि तो एक ही हेक्टेयर है, लेकिन अपने एक हेक्टेयर भूमि में वो दो बार कृषि उपज ले रहा है, यानी कि वो कितना काउंट होगा, दो हेक्टेयर काउंट होगा, समझ रहे हैं? खरीफ की फसल, रबी की फसल, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, एक हेक्टेयर, जैसे कि किसी किसान के पास एक हेक्टेयर की कृषि भूमि है, उस एक हेक्टेयर की कृषि भूमि में, एक वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, ठीक है, एक कृषि वर्ष की बात हो रही है, एक साल में एक किसान अगर अपने खेत में केवल एक ही बार कृषि उपज लगाता है तो उससे जो उत्पादन होगा वो उसमें जो उसने बुवाई की वो एक हेक्टेयर काउंट होगा। लेकिन एक साल में अगर वो किसान अपने खेत में दो बार या तीन बार उसमें कृषि उपज लगाता है तो वो क्या है, मल्टीपल टाइम काउंट होगा। कई बार क्या होता है कि कोई लोग उसमें खरीफ की फसल भी लगा देते हैं, रबी की फसल भी लगा देते हैं, नकदी फसल भी लगा देते हैं, एक से ज़्यादा बार बुवाई हो जाती है एक ही भूमि की। किसान के पास एक ही कृषि भूमि है लेकिन जितने बार उसमें वो बुआई कर रहा है एक साल के अंदर उतने बार की बुआई उसमें काउंट होगी। अगर किसान ने एक साल में एक ही बार अपने खेत में जो बुआई की है तो वो एक हेक्टेयर काउंट होगा, और इस एक हेक्टेयर भूमि पर उसने एक साल में दो बार बुआई की है तो वो कितना काउंट होगा, जो जमीन तो एक ही हेक्टेयर है लेकिन काउंट होगा दो हेक्टेयर। तो इसमें बोला जा रहा है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जिसमें एक बार की बुआई की गई, तो छत्तीसगढ़ में 46.30 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसमें एक ही बार बुआई की गई है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। और एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 10.73 लाख हेक्टेयर जिसमें एक से अधिक बार बुआई की गई, ठीक है। और कुल बोया गया क्षेत्रफल की बात की जाए तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ में 57.03 लाख हेक्टेयर भूमि है जिसमें कुल बोया गया क्षेत्रफल रहा, ओवरऑल काउंटिंग की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिलेवार शुद्ध कुल बोया गया क्षेत्रफल 28 जिलों के आधार पर सर्वाधिक, चाहे शुद्ध हो चाहे कुल हो, सर्वाधिक शुद्ध या कुल बोया गया क्षेत्रफल है आपके राजनांदगांव का, ठीक है, 28 जिलों के आधार पर राजनांदगांव, जिसमें से खैरागढ़, छुई खदान, गंडई पृथक नहीं हुआ है और मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी पृथक नहीं हुआ है, यानी कि अपने आप में बड़ा जिला है। तो सर्वाधिक रहा आपका राजनांदगांव में और सबसे कम रहा नारायणपुर, नारायणपुर जो कि दुर्गम जंगल वाला क्षेत्र है, अबुझमाड़ का जंगल क्षेत्र है। तो यहां पर शुद्ध बोया गया और कुल बोया गया क्षेत्रफल कम है नारायणपुर में और सर्वाधिक है आपका राजनांदगांव में। एक से अधिक बार द्विफसली बोया गया क्षेत्रफल में सर्वाधिक राजनांदगांव और सबसे कम बीजापुर है। देखिए क्या बात हो रहा है, इसमें जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है जिसमें एक ही कृषि भूमि में एक ही बार कृषि उपज लिया गया तो उसमें सर्वाधिक है राजनांदगांव और न्यूनतम है आपका नारायणपुर। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो ओवरऑल में भी आपका सर्वाधिक है राजनांदगांव, न्यूनतम है नारायणपुर। लेकिन अगर एक से अधिक बार वाले इसकी बात हो रही है तो इसमें सर्वाधिक है राजनांदगांव और सबसे कम कौन सा है, बीजापुर, ठीक है, जिसमें एक से अधिक फसल बोया जा रहा है, द्विफसली बोई जा रही है, उसकी बात हो रही है।
ठीक है, दोनों आंकड़े डिफरेंट है, चीज़ों को एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझना। अगर पूछ रहा है कि एक से अधिक बार द्विफसली बोया गया क्षेत्रफल में सर्वाधिक आपका बोया गया क्षेत्र किस जिले का है, तो वो होगा आपका राजनांदगांव का, और सबसे कम किसका है, बीजापुर का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उद्यानिकी फसलें। हाँ, इसका आंकड़ा चेंज हुआ है, उद्यानिकी फसलें 2023-24 उद्यानिकी फसलें का रकबा के आधार पर क्रम, यानी कि उद्यानिकी फसलों को जितने क्षेत्रफल में बोया गया है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी उद्यानिकी फसलों को बोया गया है और सबसे कम क्षेत्रफल में किस उद्यानिकी फसल को बोया गया है, उसकी बात हो रही है। उद्यानिकी फसल के अंतर्गत सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि और सुगंधित फसलें आती है। ठीक है, सुगंधित फसल इसके अंतर्गत आता है। तो इन सभी उद्यानिकी फसलों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सब्जी को बोया गया, ठीक है, उसके बाद बोया गया फलों को, उसके बाद बोया गया मसालों को, उसके बाद बोया गया फूलों को यानी कि पुष्प, और सबसे कम क्षेत्र में बोया गया औषधि एवं सुगंधित फसलों को। अगर उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की बात किया जाए, तो हमारे छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक उत्पादन रहा सब्जियों का, यह आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक उत्पादन किस उद्यानिकी फसल का रहा, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, तो किसका रहा, सब्जी का रहा, उसके बाद फलों का, उसके बाद मसालों का, पुष्प का, पुष्प के बाद आपके औषधि एवं सुगंधित पौधों का रहा। ठीक है, यहां देखिए, फल सब्जी मंडी यानी कि ऐसी मंडी जहां पर फल और सब्जियों का विक्रय होता है, टोटल अगर स्थापना की बात किया जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 6 फल सब्जी मंडी है, जैसे कि कृषि उप मंडी जिसमें सभी प्रकार के कृषि उपजों का जो है खरीदी बिक्री की जाती है, धान, गेहूं, मक्का, ठीक है, चना, लाख, तिवड़ा, इनकी बात, और यहाँ बात हो रही है फल सब्जी मंडी, यानी कि जहाँ पे फलों और सब्जियों की खरीदी बिक्री होती है। तो टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में फल सब्जी मंडियों की संख्या है 6, कहाँ कहाँ पर है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव और पखांजूर में फल सब्जी मंडी स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जल संसाधन। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में विभिन्न स्रोतों में सतही जल की मात्रा है आपका 48,296 मिलियन घन मीटर। ठीक है, मिलियन घन मीटर छत्तीसगढ़ में सतही जल की मात्रा है। ठीक है, सतही जल की मात्रा कितनी है, 48,296 मिलियन घन मीटर सतही जल, यानी कि जो धरातल में जमीन के ऊपर जो जल की मात्रा है, जमीन के ऊपर यानी कि तालाबों का पानी, नदियों का पानी, जलाशय का पानी, इनकी बात हो रही है। ठीक है, जमीन के सतह के ऊपर जल की मात्रा कितनी है, 48,296 मिलियन घन मीटर जल उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि सतह के ऊपर जो जल मौजूद है उसमें जो कितना जल उपयोग में लाया जा सकता है, 41,270 मिलियन घन मीटर। भूगर्भिक जल के मात्रा की अगर बात किया जाए तो भूगर्भिक जल की मात्रा है 11,630 मिलियन घन मीटर 11,630 मिलियन घन मीटर भूगर्भिक जल की बात, मतलब जमीन के नीचे जो आप बोर करके जो पानी निकालते हैं, जमीन के नीचे भी जो है जल की एक धारा बहती है, जब आप बोर करते हैं और बोर जब वो जमीन के नीचे जो जल धारा प्रवाहित हो रही है उसमें टच होता है तभी बोर से पानी आता है। ठीक है, तो सतही जल जिसमें तालाब, नदी, जलाशय की बात हो रही है, और भूगर्भिक जल यानी कि जमीन के नीचे जो जल धारा है उसकी बात हो रही है 11,630 मिलियन घन मीटर। इसमें से उपयोगी कितना है, मात्र 49.50% ही उपयोगी है। जमीन के नीचे जो जल की मात्रा है उसमें से आधे से भी कम आपके 49.50% पानी का ही हम उपयोग कर सकते हैं। भूजल सुरक्षित श्रेणी वर्ष 2017 के आकलन के अनुसार, यानी कि भूजल में कितने जो है सुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत है, तो टोटल 116 विकास खंड भूजल सुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत है। आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत 24 विकास खंड है, जबकि पूर्णतः संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर संकटपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत 6 विकास खंड आते हैं। 146 विकास खंडों में से 116 विकास खंड जहां पर पानी की समस्या नहीं है, जल संकट की समस्या नहीं है। 24 विकास खंड ऐसे है जहां पर आंशिक रूप से जल संकट है, और 6 विकास खंड ऐसे है जो कि पूरी तरीके से वहां पर जल संकट है। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है, इंपॉर्टेंट आंकड़े है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंचाई संसाधन।
छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात किए करें तो वो है 137.90 लाख हेक्टेयर। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था 140.90 लाख हेक्टेयर, और यहाँ पर देख रहे हैं हम 137.90 लाख हेक्टेयर। ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में ही दो आंकड़े दिए गए हैं, एक जगह 140 लाख हेक्टेयर बता रहा है तो एक जगह 137.90 लाख हेक्टेयर बता रहा है। कहाँ पर? आपके सिंचाई संसाधन वाले टॉपिक में, ठीक है। अब 137 आए या 140 आए देख लीजिएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता मार्च 2023 तक की स्थिति में है 21.52 लाख हेक्टेयर। राज्य निर्माण के पश्चात अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है आपका 8.24 लाख हेक्टेयर की। प्रदेश की कुल सिंचाई प्रतिशत है आपका 38.84%। समस्त सिंचाई स्रोतों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है 36% क्षेत्र में। अब ये क्या है, ध्यान समझना। प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता, प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता यानी कि जो हम नदियों के ऊपर जो जलाशय बना रहे हैं, ठीक है, खेतों को सींचने के लिए जो जलाशय बना रहे हैं, जो नहर निकाल रहे हैं, जो नलकूप कर रहे हैं, जो बोर से जो पानी का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि क्या है, मानव के द्वारा सृजित किया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता मार्च 2023 तक की स्थिति में कितनी है, 21.52 लाख हेक्टेयर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुल सृजित सिंचाई क्षमता है, यानी कि उसके पास, छत्तीसगढ़ के पास इतने संसाधन, इतने कृषि, इतने जो है सिंचाई के संसाधन उपलब्ध है कि वो 21.52 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सकता है, जलाशयों के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से, बोर के माध्यम से, ठीक है, जो तालाब का निर्माण किया गया उसके माध्यम से, इसके टोटल जो है 21.52 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। राज्य निर्माण के पश्चात, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 यानी कि राज्य निर्माण के पश्चात अतिरिक्त सिंचाई क्षमता, छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, 8.24 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। एक साल का एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात छत्तीसगढ़ में कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है, तो 8.24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जो है सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। प्रदेश की कुल सिंचाई प्रतिशत कितना है, ठीक है, प्रदेश का कुल सिंचाई प्रतिशत कितना है, वो है 38.84%, और समस्त सिंचाई स्रोतों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है 36%, ठीक, ध्यान समझिएगा। छत्तीसगढ़ के पास जो उपलब्ध कृषि भूमि है उसका सिंचाई प्रतिशत है 38.84%। अब जो 38.84% है ना, ये इसमें प्राकृतिक सिंचाई भी शामिल है और कृत्रिम सिंचाई भी शामिल है, यानी कि प्राकृतिक सिंचाई जो बारिश के माध्यम से जो कृषि भूमि सिंचित होती है वो, ठीक है, नदियों के पानी से जो सिंचित हुआ वो, और यहां बात हो रहा है कि समस्त सिंचाई स्रोतों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध, यानी कि हमने जो जलाशय का निर्माण किया, जो नहरें हमने बनाई सिंचाई करने के लिए, जो हमने तालाब खोदा, ठीक है, जो नलकूप का निर्माण किया, उसके माध्यम से 36% क्षेत्र में सिंचाई होती है। प्रदेश की कुल सिंचाई प्रतिशत तो 38.84% है, लेकिन समस्त सिंचाई स्रोतों से सिंचाई की जो सुविधा उपलब्ध है वो है 36% क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निर्मित एवं निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना। छत्तीसगढ़ में कुल 8 वृहद, 38 मध्यम, 24 77 लघु सिंचाई योजनाएं, 30 नलकूप योजना और 827 एनीकट है जिनका निर्माण हो चुका है। निर्माणाधीन कितने हैं, यानी कि जिनका निर्माण अभी प्रगतिरत है, 4 वृहद, 0 मध्यम यानी कि मध्यम एक भी नहीं है, 365 लघु सिंचाई योजनाएं, 1 नलकूप योजना और 247 एनीकट अभी निर्माणाधीन है। इसमें आपको निर्मित को याद रखना है, एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में जो है आपके वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की स्थिति में 8 वृहद, 38 मध्यम, 2477 लघु सिंचाई योजनाएं, 30 नलकूप योजना और 827 एनीकट निर्मित है, ठीक है। समस्त सिंचाई संसाधनों के अनुसार सिंचित क्षेत्र जून 2022 तक की स्थिति में, ठीक है, यहां पे जून 2022 तक का आंकड़ा है, यह भी डाटा चेंज नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ, पिछले साल का डाटा है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र सेम कॉन्सेप्ट है,
शुद्ध बोया गया क्षेत्र और कुल बोया गया क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 16.043 लाख हेक्टेयर, कुल बोया गया क्षेत्र है 21.436 लाख हेक्टेयर और सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई संसाधन है नहरें एवं जलाशय। जैसे कि एक किसान के पास एक कृषि भूमि है जिसकी जिसका क्षेत्रफल कितना है, 1 हेक्टेयर है। अब उस 1 हेक्टेयर क्षेत्र में उसने एक कृषि उपज लगाया, ठीक है, उसको सींचा, तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना होगा, 1 हेक्टेयर। अब सिंचाई के बाद उसने फसल की कटाई करी और कटाई के बाद दोबारा इसमें जो है उसने एक कृषि उपज और लगाया, 1 साल के भीतर उसने 2 कृषि उपज लगाया और 2 बार अपने जमीन की उसने सिंचाई करी, तो कितना हो जाएगा वो, कुल सिंचित क्षेत्र हो जाएगा 2 हेक्टेयर। जमीन तो उसके पास 1 हेक्टेयर है लेकिन एक ही जमीन की 2 बार सिंचाई कर रहा है, तो कुल सिंचित क्षेत्र हो जाएगा आपका 2 हेक्टेयर। तो छत्तीसगढ़ का शुद्ध सिंचित क्षेत्र रहा 16.043 लाख हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्र रहा 21.436 लाख हेक्टेयर, ठीक है। टोटल यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्लस एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र और एक से अधिक बार, एक ही जमीन में एक से अधिक बार सिंचाई कर रहा है, तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र प्लस आपका एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र, ठीक है। ये 21 है, ये 16 है, यानी कि आपका लगभग 5 लाख हेक्टेयर, 5 लाख हेक्टेयर में एक से अधिक बार सिंचाई की गई है। तो शुद्ध बोया गया सिंचित क्षेत्र, सॉरी शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, 16.043 लाख हेक्टेयर, ठीक है, और एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र लगभग 5 लाख हेक्टेयर के आसपास, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल सिंचित क्षेत्र है 21.436 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई संसाधन, हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई के संसाधन कौन कौन से हैं, जो नदियों से नहरें निकाली जाती है, नदियों के ऊपर जो जलाशय बनाया जाता है, नलकूप यानी कि जो बोर किए जाते हैं, तालाब और कुएं बनाए जाते हैं सिंचाई के लिए, तो इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई संसाधन है नदियों से निकाले गए नहरें और जलाशय। लगभग 52% हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई नहरें एवं जलाशय से होता है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जिलेवार सिंचित क्षेत्र पूछा जाए तो सर्वाधिक सिंचित जिला है आपका जांजगीर चांपा, प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर, और न्यूनतम सिंचित जिला है आपका नारायणपुर। क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सिंचित जिला नारायणपुर और प्रतिशत के आधार पर है आपका दंतेवाड़ा, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर, दोनों को अलग अलग याद रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि जांजगीर चांपा के सर्वाधिक क्षेत्रफल में आपकी सिंचाई हुई है, और जांजगीर चांपा की जो कुल क्षेत्रफल है उसके सर्वाधिक परसेंट एरिया में जांजगीर चांपा में सिंचाई हुई। वैसे ही अगर हम न्यूनतम की बात करें तो आपके नारायणपुर जिले के कुल क्षेत्रफल में बहुत कम क्षेत्रफल, बहुत ही न्यूनतम क्षेत्र में सिंचाई हुई, और दंतेवाड़ा जिले के कुल क्षेत्रफल में सबसे कम प्रतिशत आपकी सिंचाई हुई। अब क्षेत्रफल और प्रतिशत समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आप को ये डाउट होगा, जनगणना में भी ऐसे आपका पढ़ने के लिए मिलता है कि कुल आपकी जनसंख्या कितनी है, कुल शहरी आबादी की कितनी है, कुल शहरी आबादी प्रतिशत कितना है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। नारायणपुर जिसका जिसमें जो है क्षेत्रफल के आधार पर कब सबसे कम सिंचाई किया गया, दंतेवाड़ा जिला ऐसा है जिसके कुल क्षेत्रफल में सबसे जितना उसका एरिया है उससे बहुत कम क्षेत्रफल में उसमें सिंचाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रदेश से सम्मिलित 3 परियोजनाएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कुल 3 परियोजनाएं सम्मिलित है, केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना। केलो वृहद सिंचाई परियोजना जिसका कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट है, यानी कि कितने एरिया में इसका जल का उपयोग होता है, टोटल 22,810 हेक्टेयर में। खारंग सिंचाई परियोजना 8,300 हेक्टेयर में और मनियारी सिंचाई परियोजना 11,515 हेक्टेयर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है केलो सिंचाई परियोजना रायगढ़, आपका जो खारंग सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर मौजूद है, बिलासपुर में, अर्पा की सहायक नदी, याद है कि नहीं, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 3 परियोजनाएं हैं, केलो वृहद परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी नाम आएगा वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पशुधन एवं मत्स्य विकास। पशुधन एवं मत्स्य विकास,
छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भागीदारी। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का आकार है 3,21,944 करोड़ रुपए। उस 3,21,944 करोड़ रुपए में से 4,91,435 लाख रुपए की भागीदारी है पशुधन की, जबकि मत्स्य उद्योग की भागीदारी है 6,55,768 लाख रुपए की। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में 1.62% की भागीदारी है पशुधन की, जबकि 2.17% की भागीदारी है, परसेंटेज वाइज 2.17% की भागीदारी है आपके मत्स्य उद्योग की। ठीक है, बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, ठीक है, बकरियों का प्रजनन प्रक्षेत्र, बकरियों की पैदावार बढ़ाने के लिए जो प्रक्षेत्र बनाए गए हैं, प्रजनन प्रक्षेत्र रायपुर जिले के सरोरा में मौजूद है और एक मौजूद है कबीरधाम जिले के रामपुर ठाठापुर में। वैसे ही सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र जो कि मौजूद है सरगुजा जिले के सकोला में, बस्तर जिले के परचनपाल में और जशपुर जिले के कुनकुरी में फिलहाल प्रस्तावित है। अभी दो में संचालित है, आपके सरगुजा के सकोला और बस्तर के परचनपाल में। 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में गौवंशीय पशुओं की संख्या है 99.84 लाख, भैंस वंशीय पशुओं की संख्या है 11.75 लाख, बकरे एवं बकरियों की संख्या है 40.05 लाख, सुअरों की संख्या है 5.27 लाख, कुटकुट तथा बतखों की संख्या है आपके 187.12 लाख। देखिए, जिस प्रकार से इंसानों की जनगणना होती है ना, उस प्रकार से पशुओं की भी जनगणना होती है। गौवंशीय, गाय की बात हो रही है, गाय मवेशियों की बात हो रही है, गौवंशीय यानी कि 20वीं पशु संगणना, उसके बाद कोई नया आंकड़ा नहीं आया है। 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार गौवंशीय पशुओं की संख्या कितनी है पूछेगा तो 99.84 लाख, भैंस वंशी पशुओं की संख्या ये है आपका 11.75 लाख, बकरे एवं बकरियों की संख्या 40.05 लाख, सुअरों की संख्या 5.27 लाख, बतख और कुटकों की संख्या, कुक्कुट की संख्या है आपका 187.12 लाख। इसमें आपको याद करना है गौवंशीय, भैंस वंशीय, कुटकुट एवं बतख, ठीक है, इनकी संख्या को कम से कम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मछली पालन। हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध जल क्षेत्र कितना है पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है 2.027 लाख हेक्टेयर में उपलब्ध जल क्षेत्र है। ठीक है, हमारे प्रदेश में कुल उपलब्ध जल क्षेत्र कितना है, यानी कि जलाशय, आपका जो तालाब की बात हो रही है, ठीक है, तालाब हो गया, इसके अलावा जो आपका जलाशय हो गया, तो हमारे प्रदेश में कुल उपलब्ध जल क्षेत्र कितना है, 2.027 लाख हेक्टेयर। और मछली पालन के अंतर्गत विकसित जल क्षेत्र कितना है पूछेगा तो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र है 2.027 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 1.971 लाख हेक्टेयर में मछली पालन किया जाता है, जो कि मछली पालन के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ठीक है, उपलब्ध जल क्षेत्र का 97.24%, यानी कि कुल उपलब्ध जल क्षेत्र है 2.027 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 97.24% यानी कि 1.97 लाख हेक्टेयर में मछली पालन किया जा रहा है। ठीक है, मछली उद्योग, मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछलियों के बीज का उत्पादन और पूरी आपकी मछली का उत्पादन। मत्स्य बीज उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ देश में 5वें नंबर पर है, जबकि मत्स्य उत्पादन के मामले में, मछली उत्पादन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। मछलियों के बीज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर, मछलियों के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, वैसे तो इससे आंकड़े आए नहीं हैं, 2023-24 में जो है 33,265 लाख स्टैंडर्ड फ्राई यानी कि बीज उत्पादन किया गया। सितंबर 2023 तक की स्थिति में 24,097 लाख स्टैंडर्ड फ्राइड बीज का उत्पादन किया गया। मछली उत्पादन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6.52 लाख मेट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ, जबकि सितंबर 2023 तक की स्थिति में 3.33 लाख मेट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। आपको इसमें से ये आंकड़े और ये दोनों आंकड़े याद रखने, छत्तीसगढ़ में कुल आपका जल क्षेत्र कितना है 2.027 लाख हेक्टेयर, जो कि मछली पालन के लिए उपलब्ध है 1.971 लाख हेक्टेयर, कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 97.24 लाख हेक्टेयर। अब कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इन योजनाओं से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना यानी कि स्प्रिंकलर, डीप एवं टपक सिंचाई, प्रत्येक बूंद से अधिक फसल, इसका जो संबंध क्या है, ड्रिप सिंचाई एवं टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर,
आप खेतों में देखे होंगे ऐसे जो है लंबे लंबे पाइप के ऊपर स्प्रिंकलर लगे होते हैं जो कि बहुत दूर दूर तक पानी का छिटकाव करते हैं, बहुत दूर दूर तक पानी का छिटकाव करते हैं। इसमें जो है पानी बूंदों के रूप में खेतों में छिड़की जाती है, वही है स्प्रिंकलर, डीप एवं टपक सिंचाई, जिसमें पानी के हर एक बूंद का अधिक से अधिक फसलों में उपयोग होता है। उद्देश्य, कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्र सिंचित करना। हमारे प्रदेश में कुल 16 योजनाएं जो है प्रस्तावित है, जिसमें से 7 सूक्ष्म सिंचाई और 9 सोलर सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत है वर्ष 2023-24 तक। विशेष, वित्तीय वर्ष 2022-23 के 35 स्वीकृत योजनाएं 16 सूक्ष्म एवं 19 सोलर सिंचाई से 10,957 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। ठीक है, आंकड़े याद कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं याद कर सकते तो कम से कम याद रखिएगा कि सूक्ष्म सिंचाई योजना जो कि स्प्रिंकलर से संबंधित है, किससे संबंधित है, स्प्रिंकलर से, जिसमें कुल 16 परियोजनाएं, कुल 16 योजनाएं जो है इसमें प्रस्तावित है। ठीक, अगर हम लघु सीमांत के, ये जो आपके स्प्रिंकलर स्थापना के लिए लघु सीमांत कृषकों को 70% का अनुदान दिया जाता है, जबकि अन्य किसान यानी कि दीर्घ किसान को जो है 50% का अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 70% में से 33% केंद्र सरकार के द्वारा और 37% राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। वैसे ही अन्य किसानों को स्प्रिंकलर स्थापना के लिए 27% केंद्र सरकार के द्वारा और 23% राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना जिसका संबंध नलकूपों से है, नलकूपों से यानी कि बोर की स्थापना, ठीक, नलकूपों से है, वृष्टि छाया प्रदेशों के लिए। वृष्टि छाया प्रदेशों के लिए मतलब जो आपके मैकाल पर्वत श्रेणी के नीचे, मैकाल पर्वत श्रेणी के साइड में जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, राजनांदगांव जिला, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, आपका कवर्धा जिला, मुंगेली जिला, गोरिल्ला पिंडा, मरवाही जिला, इन जिलों में जो है किसान समृद्धि योजना संचालित है। वृष्टि छाया प्रदेशों में भू जल का नलकूपों के द्वारा समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि करना। जो वृष्टि छाया प्रदेश है ना, वहाँ पे सही तरीके से मानसून का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर नलकूपों के माध्यम से भूगर्भ के नीचे मौजूद जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके लिए नलकूप की स्थापना की जाती है किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत। नलकूप अनुदान तथा पंप प्रतिस्थापित करने के लिए ये जो है राज्य पोषित एक योजना है, जिसमें SC ST अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को 43,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 35,000 रुपये और सामान्य वर्ग के किसानों को 25,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है, नलकूप यानी कि बोर की खुदाई और उसमें पंप स्थापना करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है लघुत्तम सिंचाई योजना। लघुत्तम सिंचाई योजना का संबंध तालाबों के निर्माण से है। कृषि भूमि यानी कि जो खेत है, खेत की सिंचाई के लिए अपने खेत के समीप तालाबों का निर्माण, ये भी राज्य पोषित योजना है। इसमें 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाला तालाब का निर्माण किया जाता है। इसमें शासकीय भूमि पर 100% अनुदान पर शासकीय व्यय पर तालाबों का निर्माण होता है। यानी कि मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में किसानों के खेत में जो है सिंचाई करना है, तो उस ग्राम पंचायत में 40 हेक्टेयर भूमि पर एक तालाब का निर्माण किया जाएगा और वो एक शासकीय भूमि पर तालाब का निर्माण होता है, जो कि 100% शासकीय व्यय पर इस तालाब का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005-06 से चालू हुई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन लागू किया गया था। इसका उद्देश्य बागवानी फसलों का मतलब चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, लीची हो गया, ठीक है, मसाले हो गए, सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सभी क्या है, बागवानी फसल है। बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था, केंद्र प्रवर्तित योजना थी। छत्तीसगढ़ के कुल 20 जिलों को इस राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। 20 जिले कौन कौन से हैं, बिलासपुर, गोरिल्ला पिंडरा मरवाही, दुर्ग, कबीरधाम, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जगदलपुर, रायपुर, कोरिया, जशपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलरामपुर, सूरजपुर, कोंडागांव, गरियाबंद और बलौदा बाजार, कुल 20 जिले शामिल है इस राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि खरीफ वर्ष 2016 से लागू हुआ, इसमें क्षतिपूर्ति की पात्रता एवं मापदंड क्या है, बुआई न हो पाने की स्थिति में
फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में, स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में, फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में और फसल कटाई के उपरांत खेत के सूखने के लिए फैलाकर रखी गई फसलों के नुकसान की स्थिति में। यानी कि अपनी कृषि भूमि में जो कृषि उपज लगाई जा रही है उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये सारी कैटेगरी है। यानी कि बुवाई नहीं हो पाया, किसी वर्ष बुवाई नहीं हो पाया या कोई प्राकृतिक आपदा आई जिसके कारण पूरा का पूरा फसल चौपट हो गया, तो उसमें वो सारे चीज़ें जो बीमा कवर फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत वो सभी पात्र होंगे। खरीफ वर्ष 2016 से यह लागू हुआ था, वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बीमित कृषकों की संख्या, खरीफ फसल की बात हो रही है, खरीफ फसल के लिए बीमित कृषकों की संख्या थी 14.13 लाख और रबी फसल के लिए बीमित कृषकों की संख्या थी 2.90 लाख। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,51,293 खरीफ तथा 1,62,222 रबी कृषकों के दावा का भुगतान किया गया है। यानी कि इतने लोगों की फसल चौपट हुई, उन्हें जो है इसके अंतर्गत लाभ मिला है, दावों का भुगतान किया गया है। ठीक है, इस सेक्टर से तो वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2016 से शुरू हुआ। साकंबरी योजना जो है ये भी नलकूप से संबंधित है। जैसे कि किसान समृद्धि योजना जो कि वृष्टि छाया प्रदेश के लिए था, साकंबरी योजना राज्य के समस्त जिलों के लिए है। इसमें जो है प्राकृतिक जल स्रोत सिंचाई संसाधनों का विकास किया जाता है। इसमें लघु सीमांत कृषकों को अनुदान दिया जाता है, कूप एवं कुआ निर्माण के लिए 50% और पंप क्रय करने के लिए 75% का अनुदान मिलता है। ठीक है, जमीन में कुआ खोदने के लिए जो लागत आएगी उसका 50% और पंप यानी कि बोर करके पंप खरीदना है तो उसमें 75% का अनुदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि प्रारंभ हुआ था 2015-16 से, उद्देश्य वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्रोतों का विकास, भू जल वर्धन तथा उपलब्ध जल का दक्षता पूर्व उपयोग करना इसका उद्देश्य था। सिंचाई पद्धति, इसमें स्प्रिंकलर एवं डीप सिंचाई पद्धति, टपक सिंचाई, सिंचाई प्रोत्साहित है। यानी कि वही जो मैंने आपको बताया कि एक आपका यहाँ पर क्या होता है, ऐसे स्प्रिंकलर लगा होता है जो कि काफी दूर दूर तक पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, स्थापित 23,885.47 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिस्टम स्थापित किए गए हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में। अनुदान केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को 55% तथा बड़े कृषकों को जो है 45% का अनुदान दिया जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। नेक्स्ट है आपका अक्ति बीज संवर्धन योजना। ये संचालित किया जाता है कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत, राज्य पोषित एक मिशन है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजों का उचित मूल्य पर उपलब्ध सुनिश्चित करना। किसान क्या करते हैं, अपने जो कृषि उपज उन्होंने लगाया उसकी कटाई के बाद जो उसकी कुछ बीज है उसकी कुछ बीज को वो एकत्र करके रख लेते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी साल उनका कृषि उपज खराब हो गया और उसी बीज को उन्होंने एकत्र करके रखा और अगले साल भी उसी आपके खराब बीजों का उपयोग करेंगे तो उस साल की फसल भी खराब होगी। तो अक्ति बीज संवर्धन योजना जो कि गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजों को उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराता है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से पता किया जाता है कि कौन सा बीज गुणवत्तापूर्ण है और उन बीजों को उचित मूल्य पर किसान खरीद सकते हैं अक्ति बीज संवर्धन योजना के तहत। अनुदान अनाज फसल की अगर बीज है जैसे कि आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, उसमें उसकी जो बीज है 500 रुपये प्रति कुंटल धान, गेहूं, कोदो, कुटकी, रागी का, और जो तिलहन की बीज है वो 1,000 रुपये प्रति कुंटल की दर से उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सूरज धारा योजना जो कि बीजों की अदला बदली से संबंधित है। उद्देश्य किसानों को अलाभकारी बीजों के बदले लाभकारी फसलों की उन्नत बीज प्रदान करना। जैसे कि आपका अक्ति बीज संवर्धन योजना जिसमें गुणवत्ता युक्त बीज खरीद सकते हैं किसान, वैसे ही सूरज धारा योजना के तहत जो उनके पास अलाभकारी बीज मौजूद है उसको एक्सचेंज करा करके लाभकारी बीज ले सकते हैं। प्रावधान 1 हेक्टेयर तथा प्राथमिक दलहन तिलहन बीजों के लिए, इसमें केवल 1 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए ही बीज उपलब्ध होगा। ठीक है, प्लस प्राथमिकता दी जाएगी दलहन एवं तिलहन बीजों को।
ऐसा नहीं कि आप मनमाने तरीके से कितने बीज ले सकते हैं, एक हेक्टेयर भूमि तक के लिए आपको बीज एक्सचेंज वहां पे करा सकते हैं और इसमें दलहन और तिलहन फसलों को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 से। ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 से हुई थी, इसमें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष 2,000 रुपये प्रत्येक 4 माह में प्रदान किया जाता है किसानों को। लाभार्थी हमारे छत्तीसगढ़ में अगस्त 2023 तक की स्थिति में 20,24,064 किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। किसान परिवार जिनका जिनके नाम पर भू अभिलेख में दर्ज है तथा अपव्यर्जन के श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक, सौर सुजला योजना क्या है? वर्ष 2016 से इस सौर सुजला योजना की शुरुआत हुई है। उद्देश्य विद्युत विहीन खेतों में सौर सिंचाई पंपों को अंशदान पर स्थापित करना, प्राथमिकता प्रदान करना। यानी कि जिन खेतों में इलेक्ट्रिसिटी का पोल नहीं पहुंचा है वहां पर जो है सोलर पैनल के माध्यम से सौर सिंचाई पंप के लिए अंशदान प्रदान किया जाता है। स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20,000 नग सौर सिंचाई पंप की स्वीकृति प्रदान की गई है, स्थापित। इस योजना के अंतर्गत 7 वर्षों में राज्य शासन की स्वीकृति के आधार पर 1,43,000 से अधिक सौर सिंचाई पंपों की स्थापना की जा चुकी है। अनुमान इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20,000 सौर सिंचाई पंपों से राज्य के कुल सिंचाई क्षेत्रफल में लगभग 24,000 हेक्टेयर की वृद्धि होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20,000 नग सौर सिंचाई पंप की स्वीकृत किए गए हैं। पिछले 7 सालों में जो है इसमें 1,43,000 से अधिक सौर सिंचाई पंप की स्थापना की जा चुकी है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23-24 के लिए स्वीकृत है, 2024-25 में 20,000 सौर सिंचाई पंपों से लगभग 24,000 हेक्टेयर जो है आपका सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि होने का भी अनुमान है। अब इसमें बात किया गया है किसका? अंशदान का। तो किस प्रकार से अंशदान प्रदान किया जाएगा? इसमें 3 हॉर्स पावर 3 HP तक का पंप अगर स्थापित किया जाता है ST SC वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा तो उन्हें 7,000 रुपये का अंशदान, 3 HP के पंप पर OBC वर्ग को 12,000 रुपये का अंशदान, और जो है आपका जो सामान्य वर्ग को सोलर पंप पे जो है 18,000 रुपये का अंशदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका 5 HP पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को 10,000, अन्य पिछड़ा वर्ग को 15,000 और सामान्य वर्ग को 20,000 रुपये तक का इसमें अंशदान प्रदान किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना जो कि 2 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ हुआ था, कृषि पंपों के विद्युत खपत पर छूट, यानी कि कृषि पंपों में जो विद्युत खपत होती है एक साल में उसके कृषि जो विद्युत खपत की जो बिजली बिल आता है बिजली बिल में छूट प्रदान करता है। हितग्राही प्रदेश में इस कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 6.94 लाख पात्र हितग्राही मौजूद है अगस्त 2023 तक की स्थिति में। इसमें 3 HP तक के जो पंप है उसमें 6,000 यूनिट प्रतिवर्ष की छूट दी जाती है, जबकि 3 से 5 हॉर्स पावर तक के जो पंप है उसमें 7,000 यूनिट प्रतिवर्ष एक साल में 7,000 यूनिट की छूट दी जाती है। अब छत्तीसगढ़ में लाया गया है आपका सहज बिजली बिल योजना। सहज बिजली बिल योजना जो कि कृषक जीवन ज्योति योजना का ही एक पार्ट है, कृषि पंपों के बिजली बिल का टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट, यानी कि देखिए ये जो 6,000 और 5,000 7,500 जो आपका बिजली यूनिट पर जो बिजली बिल आ रहा है उसमें क्या होता है कि जितना आप विद्युत खपत करोगे, विद्युत खपत जितना वॉट आप बिजली जलाओगे उसके आधार पर आपका बिजली बिल आएगा। जैसे हम घरों में जितना बिजली का उपयोग करते हैं उतना बिजली बिल आता है। तो जो सहज बिजली बिल योजना लाया गया उसमें टैरिफ रेट यानी कि विद्युत खपत के आधार पर नहीं लगेगा, एक फ्लैट रेट डिसाइड कर दिया गया है कि आप साल में इतना रुपए आप इतना रुपए सरकार को देंगे और आप जो है जितना चाहे उतना बिजली का उपयोग कर सकते हैं। यह अगस्त 2018 से लागू हुआ है, टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट। 5 हॉर्स पावर तक या उससे कम पे पहले और दूसरे पंप पर 200 रुपए
₹200 प्रति हॉर्स पावर प्रति माह देना होगा, 5 हॉर्स पावर तक या उससे कम पर, तीसरे चौथे या अन्य पंप पर। एक किसान जो है एक से ज्यादा पंप भी यूज करता है, एक पंप, दो पंप, तीन पंप, चार पंप, पांच पंप भी यूज करता है, तो तीसरे चौथे या अन्य पंप पर ₹300 प्रति हॉर्स पावर प्रति माह देना होगा। वैसे ही 5 हॉर्स पावर से ज्यादा के लिए पहले और दूसरे पंप पर ₹200 प्रति हॉर्स पावर प्रति माह और 5 हॉर्स पावर से ज्यादा के लिए तीसरे चौथे और अन्य पर ₹300 प्रति हॉर्स पावर प्रति माह देना होगा। सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू हुआ वित्तीय वर्ष 2020-21 से। क्या है? मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है। इसका कार्यान्वित वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कार्यान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्देशीय मत्स्य पालन तथा मत्स्य पालन के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्र में किसानों की आय को दुगुना करना, यानी कि मछली पालन में जो है किसानों की आय को बढ़ाना। इसमें लागत वाहन क्या रहेगा? जो 60:40 यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा 60% और राज्य सरकार के द्वारा 40% का इसमें अनुदान दिया जाएगा मत्स्य पालन के किसानों की आय को दुगना करने के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना, 19 फरवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया, जो पहले प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है भूमि पोषण अभियान BPA। वित्तीय वर्ष 2021-22 से भारत सरकार के द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया है। उद्देश्य, इस योजना के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, यानी किसानों को उनकी कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता कितनी है उसका एक रिपोर्ट बना करके दिया जाता है, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, जिसका नवीनतम नाम है भूमि पोषण अभियान, ठीक। नेक्स्ट है कृषि यांत्रीकरण। उद्देश्य, प्रदेश के लघु सीमांत किसानों को किराए पर उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ये योजना जो है लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए है, जिन्हें किराए पर कृषि उपकरण यानी कि ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर के पीछे की ट्रॉली, उसमें जो जोतने वाला जो मशीन है, हार्वेस्टर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है किराए पर उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ ग्रामीण युवाओं के रोजगार के स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। योजना क्या है? विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पाद में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यांत्रीकरण यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा कृषिकरण में। जहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा तो उससे क्या होगा, कृषि में जो आपका समय लग रहा है वो समय कम होगा। स्थापना, कृषि यंत्र सेवा केंद्र तथा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जाएगी, ठीक है। कृषि यंत्र सेवा केंद्र, जहां से आपका जो कृषि उपकरण किराए पे ले सकते हैं, और फार्म मशीनरी बैंक, जिसमें उसमें जो आपके एक्सेसरीज लगते हैं उसकी बात हो रही है, की स्थापना की जाएगी। स्थापित, राज्य में अब तक 3,04,073 कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रदेश में अब तक कुल कितने कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है? तो 3,473 कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। वित्तीय सहायता, कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापना हेतु जो युवाओं के स्वरोजगार की बात हुई है ना, तो युवाओं को, अगर कोई युवा कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापना करना चाहता है, तो अगर लागत राशि 25 लाख रुपए है तो 25 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी। अगर लागत राशि 10 लाख रुपए है तो 4 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी। वैसे ही फार्म मशीनरी सेवा केंद्र की स्थापना हेतु जिसकी लागत 10 लाख रुपए प्रति ग्राम है, तो उसे, यानी कि एक गाँव में स्थापित करने का 10 लाख रुपए है, तो उसमें जो है 4 लाख रुपए का अनुदान देगी सरकार, ठीक। एक मार्ग नेट पोर्टल, बहुत सारी योजनाएं हैं इसमें। देखिए, इस योजना के अंतर्गत मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क भारत सरकार के द्वारा, ये भारत सरकार की योजना के अंतर्गत है एग मार्ग नेट पोर्टल। इसमें कंप्यूटर के माध्यम से मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी पोर्टल में नियमित रूप से प्रेषित की जाती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो किसान बैठा है उसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में जो कृषि उपज है, धान का क्या रेट चल रहा है वहाँ पर, गेहूं का क्या रेट चल रहा है, चना का क्या रेट चल रहा है, वो एक मार्ग नेट पोर्टल के माध्यम से पता कर सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से मंडियों की दैनिक आवक, यानी कि वहाँ पर कितना उसका आवक हो रहा है, मतलब कितने फसल कृषि उपज वहां पर पहुंच रहे हैं, और भाव की जानकारी क्या है, ये पोर्टल पर जो है नियमित रूप से प्रेषित, डेली बेसिस पे प्रेषित किया जाता है। अगस्त 2006 से छत्तीसगढ़ प्रदेश के
टोटल 69 कृषि उपज मंडी एवं 118 उप मंडी की मंडियों की जानकारी पोर्टल पर नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के 69 कृषि उपज मंडी और आपके 118 उप कृषि मंडी इस आपके एक नेट पोर्टल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन 10 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य मोटे अनाज मुख्यतः कोदो कुटकी रागी की उत्पादकता को बढ़ाना था। मिलेट जिले, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 14 जिले जहां पे मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित किया गया है, जहां पे कोदो कुटकी रागी की जो है उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से है? कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बस्तर संभाग के सातों जिले, राजनांदगांव, कवर्धा, गोरिल्ला पिंडरा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर प्रथम चरण में शामिल है। टोटल 14 जिले जो है मिलेट जिले के अंतर्गत आते हैं। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ हैदराबाद के साथ जो है समझौता भी हस्ताक्षर हुआ है। हमारे प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोदो का रेट है 3200 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी का रेट है 3350 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि रागी का रेट है 3846 रुपये प्रति क्विंटल। विशेष, छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां पर कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है, तथा मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ध्यान देना, जो लास्ट वाला लाइन है, प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ को किस खेती के बढ़ावा के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा चुका है। धान की फसल के लिए, चने की फसल, दलहन फसल के लिए, तिलहन फसल के लिए, या मिलेट्स उत्पादन के लिए? तो मिलेट्स की खेती के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कृषि अधोसंरचना एवं विकास, एग्रो मार्केट या सी मार्ट, ये मौजूद है आपके धमतरी में, अनुबंधित है आपका रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा से अनुबंधित है एग्रो मार्केट या सी मार्ट। सेकंड है उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, जो कि मौजूद है आपका रायगढ़ एवं राजनांदगांव में। कृषि यंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला मौजूद है रायपुर में। बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला मौजूद है आपका रायपुर में। बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला मौजूद है बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में। सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र मौजूद है रायपुर के बाना में और दुर्ग के राजपुर में। पौधा संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला मौजूद है राजनांदगांव एवं रायपुर में। अगर छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडियों की संख्या पूछी जाए तो 69 है और कृषि उपज उप मंडियों की संख्या पूछी जाए तो 118 है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। सिंचाई परियोजना देखिए, हमारे प्रदेश में जो सिंचाई परियोजना है कौन कौन सी है, जो आपके बड़े स्तर पर है, जिसमें जो है अक्टूबर 2023 तक की स्थिति में सृजित सिंचाई क्षमता की बात हो रही है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक है आपका अरपा भैंसाझर परियोजना, जो कि बिलासपुर के कोटा के भैंसाझर ग्राम में है। इससे लाभान्वित क्षेत्र है कोटा, बिल्हा, तखतपुर, बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा, तखतपुर। इसमें प्रस्तावित सिंचाई क्षमता है 25,000 हेक्टेयर। अक्टूबर 2023 तक की स्थिति में इसकी जो आपकी सृजित सिंचाई क्षमता है वो है 13,500 हेक्टेयर। कुल है 25,000 हेक्टेयर और अभी आपके अक्टूबर 2023 तक की स्थिति में सृजित कितना हो चुका है? 13,500 हेक्टेयर। दूसरा है मिनीमाता हसदेव या हसदेव बांगो, जो कि कोरबा जिले के बांगो क्षेत्र में है। इससे लाभान्वित जिले है आपका कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, जिसका प्रस्तावित सिंचाई क्षमता है 4,20,580। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि हसदेव बांगो परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता कितनी है? 4,20,580 हेक्टेयर। और सृजित, टोटल सृजित कितना हो चुका है अक्टूबर 2023 तक की स्थिति में? 4,20,580। जितना प्रस्तावित था उतना सृजित हो चुका है। नेक्स्ट है केलो परियोजना, जो कि आपका रायगढ़ जिले के दनौट ग्राम में स्थित है। इससे लाभान्वित है आपका रायगढ़, खरसिया, सरिया और चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र, इसके अंतर्गत लाभान्वित है। इसका प्रस्तावित सिंचाई क्षमता है 22,810 हेक्टेयर। अक्टूबर 2023 तक की स्थिति में इसमें 17,583 हेक्टेयर सृजित हो चुका है। नेक्स्ट है सिद्ध बाबा जलाशय, जो कि लमती नदी पर स्थित है, खैरागढ़ छुई खदान गडई जिले के उर्तुली ग्राम छुई खदान में आता है ये। खैरागढ़, दुर्ग और बेमेतरा जिले से लाभान्वित होंगे। टोटल 1840 हेक्टेयर इसका प्रस्तावित है, अभी तक ये सृजित नहीं हुआ है। तो यहां पे जिनके आगे ना स्टार लगा हुआ है, स्टार, वो निर्माणाधीन है, पूर्ण होने की संभावित अवधि जून 2024 तक है, जिसमें से हसदेव बांगा जो है ये अपना जो सृजित जो आपका प्रस्तावित सिंचाई क्षमता था उसको वो आपका पूर्ण कर चुका है 4,20,580 हेक्टेयर को, ठीक है। औद्योगिक संस्थानों को जल आपूर्ति के लिए निर्मित बैराज,
बैराज क्या होते हैं? जलाशय का छोटा स्वरूप होता है, छोटे छोटे एनीकट। जलाशय जो है आकार बड़ा होता है, बैराज आकार में छोटे होते हैं। तो कुछ ऐसे बैराज जो कि औद्योगिक संस्था यानी कि संयंत्र को, प्लांट को जल आपूर्ति करते हैं, जैसे कि समोदा बैराज जो कि रायपुर में स्थित है, एक उद्योग को यह आपका जल आपूर्ति करता है, लाभान्वित उद्योगों की संख्या। शिवरी नारायण बैराज जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है, ये दो उद्योगों को जल आपूर्ति करता है। बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा एक उद्योग को जल आपूर्ति करता है। मिरौनी बैराज शक्ति एक उद्योग को, साराडीह बैराज शक्ति चार उद्योग को, कलमा बैराज रायगढ़ पांच उद्योग को। इन सभी बैराज में से सबसे ज्यादा कलमा जो बैराज है रायगढ़ का, ये आपका टोटल पांच जो आपका उद्योग है उन्हें ये जल आपूर्ति करता है। अगर टोटल इसका काउंटिंग किया जाए तो टोटल है आपका 14, टोटल 14 उद्योग लाभान्वित हो रहे हैं आपके निर्मित बैराज से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्रामोत्थान। अच्छा, इसको यहाँ पे ध्यान देना ना, ये जो कलमा बैराज है, कलमा बैराज मौजूद है आपके शक्ति जिले में, ठीक, शक्ति जिले में स्थित है आपका कलमा बैराज। यहाँ पर रायगढ़ मेरे हिसाब से पुराना ही ले लिया है आंकड़ा। आपका कलमा बैराज मौजूद है शक्ति जिले में, जो कि ये जो कलमा बैराज है, कलमा बैराज छत्तीसगढ़ सरकार और उड़ीसा सरकार के मध्य विवाद का भी कारण है, ठीक है, इसको याद रखना। ग्रामोत्थान योजना, ये ग्रामोत्थान योजना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन फूटी किस्मत रही तो आ सकता है कि ग्रामोत्थान योजना कब शुरू हुआ, वर्ष 2006-07 में राज्य शासन के द्वारा शुरू हुआ। राज्य में पशु की नस्ल सुधार और कृषकों की आमदनी वृद्धि करना, यानी कि कोई बीमारू पशु है, ठीक है, तो उसकी आगे की नस्ल खराब ना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, उन्नत नस्ल की सक्षम तथा ताकतवर पशुओं का विकास करने हेतु चरवाहों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, ठीक है, कृत्रिम उसमें गर्भाधान कराया जाता है। 2023-24 में कुल 1.33 लाख कृत्रिम गर्भाधान बधियाकरण कार्य के लक्ष्य के विरुद्ध 20 लाख रुपए प्रावधानित है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बचा है आपका, पशु उत्पाद उपलब्धता, यानी कि पशु उत्पाद जैसे कि दूध का उत्पाद, अंडा का उत्पाद, मांस का उत्पाद, ऊन का उत्पाद। छत्तीसगढ़ मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार 28 जिलों में केंद्र एकीकृत न्यायदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम 2022-23। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में दूध का उत्पादन रहा 1955.51 हजार टन। अगर छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ में जो दूध का उत्पादन हुआ, दूध उत्पादन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में 18वें स्थान पर है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.80% की वृद्धि दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दुग्ध एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध उपलब्ध होता है, तो 180 ग्राम दूध उपलब्ध होता है। लक्ष्य की अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में टोटल 2128 हजार टन दूध उत्पादन का लक्ष्य है। 22-23 में 1955 उत्पादन हुआ है, लक्ष्य रखा गया है 2023-24 में 2128 हजार टन। अंडा उत्पादन, छत्तीसगढ़ में 22,101.52 लाख अंडा उत्पादन होता है। अंडा उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 15वें स्थान पर है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8.79% की वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 74 अंडा उपलब्ध होता है और आपके वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23,600 लाख अंडा उत्पादन का लक्ष्य है। मांस उत्पादन, छत्तीसगढ़ में 54.55 हजार टन मांस का उत्पादन होता है। मांस उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 19वें स्थान पर है। इसकी अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मांस उत्पादन में 8.38% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1.83 किलोग्राम मांस उपलब्ध होता है। इसमें जो है 57.50 हजार टन मांस उत्पादन का लक्ष्य है वित्तीय वर्ष 2023-24 में। ऊन का उत्पादन, भेड़ से निकलता है ऊन, प्रदेश में जो है आपका 78.23 हजार किलोग्राम ऊन का उत्पादन होता है। 78.23 हजार किलो, ठीक है, 78.23 हजार किलो ऊन का उत्पादन होता हुआ है आपके वित्तीय वर्ष 2022-23 में। ऊन के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ देश में 15वें स्थान पर है। इस ऊन के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.89% की कमी दर्ज की गई है ऊन के उत्पादन में। आपके वित्तीय वर्ष 2023-24 में 79,000 किलोग्राम ऊन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सुराजी ग्राम योजना, पिछली सरकार के जाने के बाद मेरे हिसाब से सुराजी ग्राम योजना अब ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन याद रखिएगा सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत 10,321 गौठानों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 10,296 गौठानों का
पूर्ण निर्माण किया जा चुका है। सुराजी ग्राम योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना, जिसमें जो है आपके गौठान 10,321 गौठान को स्वीकृति प्रदान किया गया था, जिसमें से 10,296 गौठान का निर्माण पूरा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होता है आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का कृषि वाला टॉपिक। इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, योजनाओं पर ध्यान दीजिएगा। बहुत से सारे आंकड़े पिछले साल के हैं, वो पिछले साल के आंकड़ों से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो पिछले साल के। बस ये याद रखना कि GSDP में फसल क्षेत्र की भागीदारी कितना रुपये है, कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मत्स्य उत्पादन के आंकड़ों को याद रखना, पशुधन के आंकड़ों को याद रखिएगा। कुछ मेजर आंकड़े जिनको याद रखना है, पिछले साल के आंकड़े जिसमें चेंजेस नहीं हुए हैं उनको याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।